डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री की जो हमारी यूनिट है, जो मैंने स्टार्ट करवाई थी थोड़े दिन पहले, लिक्विड स्टेट एंड लिक्विड क्रिस्टल, उसका जो फोर्थ लेक्चर है आज, वो जो हम अपलोड कर रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। अगर आप इस टॉपिक को एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखते हो तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कोई कंपटीशन एग्जाम की अगर हम बात करते हैं, या फिर इसकी जो वैल्यू आती है कि जब मॉलिक्यूल क्लोजर आती है उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो रिलेशन है वो क्या होता है, रिपल्सन का रिलेशन है वो क्या होता है, उस हिसाब से ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस टॉपिक के अंदर हम क्या बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर पहले ही लिखा हुआ है मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। मैं आपको पहले बता देता हूँ, या पहले मैंने आपको बताया भी है, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होते हैं। दीज आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन विच हेल्ड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टूगेदर। मतलब वो आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल जो मॉलिक्यूल को एक दूसरे से बांधे रखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। हम यहाँ पर कंसिडर करके चलेंगे एक पेयर ऑफ मॉलिक्यूल, वो जो दो पेयर ऑफ मॉलिक्यूल, एक पेयर मान लिया ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, ये जब दो पेयर ऑफ मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोजर आते हैं तो दो टाइप के फोर्सेज क्रिएट होते हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक फोर्स ऑफ रिपल्सन। अट्रैक्टिव फोर्सेज का काम क्या होता है कि मॉलिक्यूल को बांधे रखना, और रिपल्सिव फोर्सेज का काम क्या होता है, मॉलिक्यूल को एक दूसरे से दूर रखना। मतलब एक बात क्लियर है, जब वो मॉलिक्यूल क्लोजर आएंगे तो दोनों टाइप के फोर्स क्रिएट होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्रिएट होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी क्रिएट होता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करता है, अगर क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करता है किससे, फोर्स ऑफ रिपल्सन से, तब तो क्या हो जाती है, मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है। मतलब अट्रैक्शन ज्यादा है रिपल्सन से, लेकिन अगर फोर्स ऑफ रिपल्सन ग्रेटर हो जाता है किससे, अट्रैक्शन से, तब मॉलिक्यूल की जो फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाती है। तो इस लेक्चर के अंदर हम इन दोनों के लिए कंडीशन लेके चलेंगे कि अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं तो उनका मैग्नीट्यूड कितना रहता है, उसको कितनी पावर में लिया जाता है, और रिपल्सिव की जब हम बात करते हैं तो उसको किस पावर के अंदर लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंसिडर करके चलेंगे, लेट अस कंसिडर इंट्रैक्शन बिटवीन ए पेयर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, पेयर ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में हम इंट्रैक्शन लेके चलते हैं, और जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आते हैं, व्हेन मॉलिक्यूल कम क्लोजर, टू टाइप ऑफ फोर्सेज आर क्रिएटेड। दो टाइप के फोर्स हमारे जनरेट होते हैं, मैंने पहले बता दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरे हमारे फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्लियर है। अब जब हम बात करते हैं, जब ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि जब मॉलिक्यूल क्लोजर आ रहे हैं तो उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो क्या लिखाएंगे भाई, एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल, एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल स्टडीज बोथ शो दैट अट्रैक्टिव फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेज आर रेयरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेवंथ पावर ऑफ इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब सपोज करो ये दो मॉलिक्यूल है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, मान लिया वो डिस्टेंस आर है भाई, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया, आर है। तो ये एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली पाया गया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसके बराबर होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस के ए इंटू वन बाई आर सेवन। मतलब अट्रैक्टिव फोर्स आर रियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेवंथ पावर ऑफ इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब एफ ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू वन बाई आर की सेवन। इसको क्या मान लेते हैं भैया, हमारी इक्वेशन नंबर एक। इसके बाद आता हमारा, अब यहां पर बात आती है सर, ये नेगेटिव साइन कैसे हो सकता है, मतलब किसी का भी रेडियाई हम बोल सकते हैं जीरो है, लेकिन नेगेटिव क्या हो, नेगेटिव साइन क्यों लिया गया, यहाँ पे एक नंबर में
क्वेश्चन बन सकता है वाही नेगेटिव साइन इज टेकन, तो यहां पे नेगेटिव साइन यूज किया गया है क्योंकि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर हम मॉलिक्यूल का सेंटर क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं, मतलब इफ वी टेक द सेंटर ऑफ वन मॉलिक्यूल एज द ओरिजिन विद आर जीरो, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो इन अपोजिट डायरेक्शन एक्ट करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है, जैसे ये मॉलिक्यूल वन है और इस तरफ हमारा मॉलिक्यूल टू है, तो दोनों की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस वाले मॉलिक्यूल अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, इस वाले मॉलिक्यूल उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, तो इसलिए हमने यहां पे क्या लिया है, नेगेटिव साइन लिया है। ठीक है, अब ये जो फोर्स है इनका अपना मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r^7। क्लियर है, अब इनके बीच में बहुत थोड़ा डिस्टेंस होता है क्योंकि सॉलिड के केस में क्या है, आपको पता है सॉलिड के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं और उनके बीच के जो डिस्टेंस हैं वो बहुत कम होता है, तो इसलिए जब हम बात करते हैं रिपल्सन की, ठीक है, तो रिपल्सन के केस में ये पाया गया FR = -KR, आर किसको डिनोट कर, माइनस नहीं सॉरी भाई KR, और ये पाया गया वो कितनी पावर के इनवर्सली है भाई, R^30। ठीक है, तो मतलब इसके बीच में जो ऑर्डर है वो क्या हो गया, रिपल्सिव फोर्स वेरी इनवर्सली एज 13th पावर ऑफ द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। इसको क्या मान लेता हूं भाई, मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं। ठीक है, अब इंस्टीड ऑफ फोर्सेज, अगर हम इन फोर्सेज को एक बार छोड़ दें और स्टडी करते हैं अगर किसी के बीच में उनकी पोटेंशियल एनर्जी की, मतलब अगर हम इन दोनों के बीच में एक बार फोर्स को भूल जाएं और अगर हम बात करते हैं इनकी पोटेंशियल एनर्जी की, अब क्वेश्चन आता सर ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है, क्या भी हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या भाई, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अबाउट वन मॉलिक्यूल फ्रॉम इन्फिनिटी टू डिस्टेंस आर, मतलब सपोज करो भाई कोई मॉलिक्यूल है इन्फिनिटी के ऊपर यहां पे है, उसको अब इन दोनों के बीच के इंटरेक्शन के बीच का डिस्टेंस मैंने कितना लिखा था, आर लिखा था, तो उसको इन्फिनिटी से लेकर आर तक का जो डिस्टेंस है वहां तक लेकर के आने में जो एनर्जी लग रही है वो क्या हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब इट अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अबाउट वन मॉलिक्यूल, इन ब्रिंगिंग अबाउट ए वन मॉलिक्यूल फ्रॉम इन्फिनिटी टू डिस्टेंस आर, इन्फिनिटी से उसको डिस्टेंस से आर के ऊपर लेके आना, फ्रॉम द अदर मॉलिक्यूल्स वो क्या कहलाता है भाई, हमारा पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी को मैं किससे लिख लूंगा भाई, वी से लिख लूंगा। अब वो पहले इन्फिनिटी था, आपको पता है भाई इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या होती है, जीरो, जीरो से जब उसको और क्लोजर लेके आएंगे मतलब वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिख लूंगा, माइनस, उसको इन्फिनिटी से कहाँ पे लेके आए, अभी आर पे लेके आए हैं हम। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, उनके बीच में जो फोर्स है और जो चेंज हुआ है डिस्टेंस डी आर। क्लियर है, मतलब इंटीग्रेशन कर देंगे हम विद रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, अब नेगेटिव साइन किस कारण से है भाई, ड्यू टू एनर्जी रिलीज, यहां पे लिख सकते हैं नेगेटिव साइन इज ड्यू टू एनर्जी रिलीज। मैंने पहले ही बताया कि जैसा कि इन्फिनिटी पे है तो एनर्जी ऑलरेडी जीरो है, तो उसको और क्लोजर लेके आएंगे तो एनर्जी डिक्रीज होगी तभी वो क्लोज आएगा, इसलिए यहां पे क्या ले रहे हैं भाई, हमें नेगेटिव साइन ले रहे हैं। ठीक है, अब फोर्स हमारे दो तरह के लिए थे भी, हमने एक अट्रैक्शन का फोर्स लिया था, एक रिपल्सन का फोर्स लिया था, दोनों का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे, वी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू आर। अब शुरुआत में अट्रैक्शन है भाई हमारा, तो क्या लिखूंगा मैं, माइनस के ए अपॉन आर की पावर 7 प्लस के आर इंटू
वन बाई आर की पावर 13, या के आर को मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, के आर अपॉन आर की पावर 13। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो इंटीग्रेशन होना है इसका किसके रिस्पेक्ट में होना है, आर के रिस्पेक्ट में होना है। तो इन दोनों का जो इंटीग्रेशन हो किसके रिस्पेक्ट में है, आर के रिस्पेक्ट में है। अब जब आप इसको बुक में देखते हो तो आपको डायरेक्ट रिलेशन मिल जाता है, भाई ये इक्वेशन आ जाती है हमारी डायरेक्ट, के अब के आर अपॉन 12 आर की 12 प्लस के ए अपॉन 6 आर की 6। लेकिन ये आई कहाँ से है, इसके लिए हमें भी एक लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई की है। क्या है वो प्रॉपर्टी, मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम किसी का इंटीग्रेशन करते हैं, मान लिया आर एन उसकी पावर है, किसके रिस्पेक्ट में, डी आर के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे आर एन का मतलब क्या है, जैसे ये ले लो भाई हम इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आर एन है किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, डी आर के रिस्पेक्ट में। तो इस प्रॉपर्टी को जब ओपन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, आर की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, मतलब जो भी आर की पावर उसको ऊपर ले आए और उसके प्लस में वन और डिवाइड में एन प्लस वन कर दें तो आप इसको ओपन कर लोगे। मतलब अब आप इसको खोलिए इक्वेशन को, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, मान लिया इस पहले मैं इसको लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा मैं इसको, माइनस के ए आर की पावर 7। अब आर की पावर 7 है, के हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है, इसको हम बाहर रख लेते हैं, ये पावर ऊपर जाएगी तो मैं इसको क्या लिखूंगा भाई, आर की पावर, अब ये 7 नीचे प्लस का था ऊपर जाके क्या होगा माइनस का, प्लस में 1 डिवाइड बाई एन माइनस 7 प्लस 1, तो क्या आ गया भाई, ये सोल्व होगा हमारा। दूसरे को और ऐसे ही कर लेंगे, प्लस के आर वही कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे, आर की पावर 13 है ऊपर आके माइनस की होगी, आर की पावर माइनस 13 प्लस 1 अपॉन में माइनस 13 प्लस 1। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, ये माइनस साइन था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये इसको सोल्व करते हैं, कितना बच गया पावर हमारा, आर की पावर माइनस से 12 अपॉन में आर की पावर माइनस से 12। तो अगर आप देखोगे इस इक्वेशन को इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ, तो कैसे कर दिया हमने, आर की माइनस 13 अपॉन माइनस 13 प्लस 1, तो क्या होगा हमारा ये r की माइनस 12 अपॉन में, इसको मैं कैसे लिखता हूँ, r की पावर माइनस 12 अपॉन में माइनस 12, इसको मैं कैसे लिखता हूँ, r की पावर माइनस 6 अपॉन में माइनस का 6, क्लियर है। अब इसमें से माइनस 1 बाई 12 में इसको बाहर निकाल लूँ, माइनस 1 बाई 12 बाहर निकाल लिया मान लिया, अब आर की पावर माइनस 12 ऊपर है नीचे आएगा तो दोबारा से क्या हो जाएगा, आर की 12, देखिए ये इस प्रकार से आ गया, फिर हम इसके साथ में के आर लिख देंगे। इसी प्रकार से इसमें भी माइनस 1 बाई 6 निकाल लूंगा, माइनस 6 नीचे आ जाएगा, 6 1 बाई 6 निकल गया, आर की पावर 6। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, के आर अपॉन 12 आर की 12 प्लस सॉरी माइनस के ए अपॉन 6 आर की 6, ये आगे भी हमारी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब ये किया कैसे हमने, हमने दोनों को ऐड कर दिया, अभी ये हमने यहाँ पे टोटल फोर्स किया है, फोर्स किसके बराबर है, एफ ए प्लस एफ आर, इसको इक्वेशन 3 भी लिख सकते थे और इसको 4 लिख लेंगे अभी। एफ ए की वैल्यू पुट कर दी हमने ये वाली अट्रैक्शन की और रिपल्सन की पुट कर दी हमने इक्वेशन, ठीक है। अब जब हम प्लॉट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स के कंपैरिजन में, तो इस एक ग्राफ आपको दिखेगा बुक के अंदर ऐसे, यहाँ पे आर जीरो मान रखा है, तो उसने बोला है मान लिया मॉलिक्यूल था इन्फिनिटी पे, उसको आर डिस्टेंस पे लेकर के आए हैं, ठीक है। मतलब यहाँ तक लेकर के आने में यहाँ पर उसने रिपल्सिव कंपोनेंट जो दिया है वो कितना दिया था, 1 बाई आर की 13, और ये कितना था, 1 बाई आर की 7 था, इसको जब हमने सोल्व किया तो कितना रह गया था, ये 1 बाई 12 आर की 12, और ये कितना रह गया था, 1 बाई आर की 6। तो एक ग्राफ आपको यहाँ से ऐसे मिल जाता है पोटेंशियल एनर्जी का, और एक आपको ऐसे ग्राफ मिल जाता है, क्लियर है। तो इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को हम सम अप अगर करते हैं, इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी बराबर है 4 एप्सिलॉन, ठीक है, इन अंदर क्या लिख दूंगा मैं, आर नोट बाई आर, आर नोट बाई आर, और इसकी पावर
कितनी थी हमारी पावर, 12 थी, तो इसको पावर 12 लिख दूंगा माइनस में। यहाँ पे कितनी था हमारा, 6 था, तो इसको भी मैं आर नोट बाई आर, और इसकी पावर कितनी थी 6, इसको मैं ऐसे भी जो है इस इक्वेशन को डिनोट कर सकता हूं। तो यहां पर एप्सिलॉन क्या है, डेप्थ है उसकी, कि मॉलिक्यूल को हमने कितना अट्रैक्ट किया है, और आर नोट क्या हमारा भाई, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, जब पोटेंशियल एनर्जी क्या हमारी जीरो है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को क्या नाम देखा दिया बोला जाता है, लिनर्ड जोन्स 612 पोटेंशियल, क्या बोला जाता है इसको, लिनर्ड जोन्स 612 इक्वेशन या पोटेंशियल, इसके नाम पे रखा गया है, लिनर्ड जोन ने इसको दिया था, इसलिए उसके नाम पे इस इक्वेशन को बोला जाता है, क्लियर है। तो ये था आपका छोटा सा रिलेशन, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड्स। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।